أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students Assalamu alaikum Welcome to our next play The second one act play The boy comes home Aziz Talaba Pahla play The beer Jiska ek sawal critical humne dekha Aur yakinan mujhe umeed hai ki aapne उसके उर्दू लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं वो भी ज़रूर देखे होंगे उनमें से भी गो थ्रू हुए होंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके ये दूसरा प्ले भी एक कॉमिक प्ले है बिल्कुल पहले प्ले से मिलता जुलता लेकिन कहानी उससे हटकर है और पैगाम भी थोड़ा सा उससे हटकर है यहाँ सोशल कॉमेडी को मौजू बेटा बनाया गया है यहाँ दो की बजाय मेजर करेक्टर्स की बजाय अब दो तीन मेजर करेक्टर्स हैं जो यहाँ बुनियादी तौर पर तो दो ही मरकजी करदार हैं एक नौजवान लड़का और एक उसका चचा लेकिन उसकी आंटी जो है वो भी एक मेन रोल प्ले करती है उस लड़के की चीची तो आइए इस ड्रामे का जो है वो बकायदा क्रिटिकल सवाल का जो है वो आगाज करते हैं अजीज तलबा जैसा कि मैंने शुरू में वजाहत की है कि ये बेटे एक चिच्चा और भतीजे के दरमियान जो है जायदाद के तनाजे पर मबनी एक छोटा सा वन एक्ट प्ले है जिसमें चिच्ची जो है वो मामलात को संभालने में और सुधारने में अहम करदार अदा करती है लेकिन इसमें नौजवान लड़का जो है वो एक अपने आप को मनवाता है अपनी बात को मनवाता है और फोर्सफुली मनवाता है इसमें एक ख्वाब है छोटा सा जो इस प्ले में बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है चचा कुर्सी पर बैठे बैठे जो है वो एक ख्वाब देखता है जिसके दौरान ही ये ड्रामा जो है वो मुकम्मल हो जाता है तो बहरहाल इसकी कहानी देखेंगे तो मज़ीद जो है वो हमें आइडिया इसका क्लियर होता चला जाएगा ये भी एक मज़ाहिया ड्रामा है और एक समाजी ज़िंदगी के एक वाक्य को बुनियाद बनाकर ये वन एक्ट प्ले लिखा गया है तो आइए सवाल का आगाज़ करते हैं और अमूमन बेटे इसमें दो तीन ये अहम सवाल हैं एक तो इसके टाइटल के बारे में पूछा जाता है कि Discuss the significance of the title of the play The Boy Comes Home और इसी तरह इसको ये कहा जाता है Discuss the play as a social comedy तो ये दो मेन क्वेश्चन हैं या as a comic play कह दिया जाता है कि Discuss the play as a comic play तो बेटे ये दोनों सवालों को इकट्ठा ही यहाँ किया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे अलग अलग सवाल याद ना करना पड़े इम्तहान में जो भी तनकीदी सवाल इस प्ले पर आए तो आप यही जवाब जो है वो कोट करेंगे यही जवाब देंगे इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चंस दिस वन एक्ट प्ले रिटन बाय ए मिलन इज अ लाइट कॉमेडी ये एक हल्का फुल्का मजाया वन एक्ट प्ले है ही रोट मोस्ट ऑफ हिज प्लेज इन द ट्रेंचेस तो मैदान जंग में जो खंदकें खुनी खुदी होती हैं जंग के दौरान अक्सर उसने अपने ड्रामे जो थे वो इन्हीं ट्रेंचेस ही में लिखे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार दूसरी जंग अजीम के दौरान बेटे ये ए मिलन जो थे ये बजाते खुद एक फौजी थे तो लिहाजा इसने सारे जो है ना तकरीबन इसके जो ड्रामे हैं वो जंग और जंग के बैकग्राउंड में लिखे गए हैं या जंगी वाकयात को डिपिक्ट करते हैं हिज करेक्टर्स आर द प्लेजेंट पीपल ऑफ द इंग्लिश कंट्री हाउस उसके ड्रामों में जो किरदार हैं वो इंग्लिश सोसाइटी के देहाती इलाके के खुशगवार फैमिलीज के लोग हैं ही एक्सेल्स इन सिंपल एंड स्मूथ डायलॉग इसके ड्रामों की एक और खसूसियत जो हमें मुतासर करती है
कि इसके अंदर जो डायलॉग है, बातचीत है, गुफ्तगू है किरदारों की, बड़ी सादा और स्मूथ होती है। उसमें वो बड़ा माहिर है, एक्सेल्स इन। ही ऑलवेज राइट्स इन ए लाइट वेन ऑफ कॉमेडी, हल्के फुल्के मजाक के रंग में रंग देता है अपनी तहरीर को। द ह्यूमर ऑफ दिस प्ले इज ऑल्सो नॉट वेरी लाउड, इस प्ले के अंदर भी जो ह्यूमर है वो ज़्यादा ज़ोरदार गूंजदार ह्यूमर नहीं है। इट लाइज इन द फनी सिचुएशंस, बल्कि ये मजाह जो है वो छुपा हुआ है मजाहिया किस्म की सूरत हाल में। एंड द डायलॉग्स ऑफ द करेक्टर्स, और वो जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है किरदारों की उसके दरमियान में। तो ये प्ले जो है इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी, सोशल कॉमेडी है। डियर स्टूडेंट्स, द प्ले ओपन्स एट अंकल जेम्स रेजिडेंस ऑन द क्रॉमवेल रोड इन लंदन। लंदन का एक इलाका है क्रॉमवेल रोड, वहाँ अंकल जेम्स जो हैं वो रहायश पजीर हैं, और उनकी रहायश गाह पर ये इस वन एक्ट प्ले का आगाज़ होता है। मिस्टर जेम्स रन्स द बिजनेस ऑफ जैम मेकिंग, ये किसान है बुनियादी तौर पर, और जैम मेकिंग का जो है वो कारोबार करता है, आलू वगैरह, पोटैटो से, टमाटो से जैम वगैरह बनाता है। हिज नेफ्यू फिलिप हैज जस्ट कम बैक होम फ्रॉम द वार फ्रंट, महाजे जंग से, दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर या छुट्टियों में फिलिप जो है वो उसका भतीजा अभी अभी मैदान जंग से लौटा है। ही इज़ ए वेल बिल्ट यंग मैन ऑफ 23। एज याद रखें, ये एग्जूबरेंट एज होती है, एनर्जेटिक, जज्बाती, इमोशनल, लेकिन ये जंग से लौटा है तो मतलब फौजी है, तो अभी 23 बरस की उम्र है और वेल बिल्ट है, यूथ है। हिज फादर हैड डाइड ए फ्यू इयर्स अगो, उसका अबू जो थे वो चंद साल पहले वफात पा गए थे, और यकीनन जाहिर है इसके चाचू से बड़े होंगे। एंड हैड अपॉइंटेड अंकल जेम्स द गार्जियन ऑफ हिज सन, और उन्होंने मरते समय अपने इसके चचा अंकल जेम्स को जो है वो इसका मुहाफ़िज़ या निगरान, जायदाद का निगरान जैसे मुकरर कर देते हैं, क्योंकि वो अभी छोटी उम्र का होगा, ये जिसे कहते हैं एज ऑफ मेच्योरिटी, 18 साल से कम होगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द मनी विल बी गिवन टू द बॉय व्हेन ही ग्रोज 25, और उसने अपनी वसीयत में ये साथ ही लिख दिया कि भाई फिलिप को जायदाद तब मिलेगी ख़ानदान की, इसमें से हिस्सा, जब वो 25 बरस का हो जाएगा, क्रोज 25। याद रखें ये फ़र्क, अभी वो 23 है, येट 2 years टू गो टू गेट हिज वेल्थ, टू गेट हिज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाई हिम फ्रॉम हिज फादर। When the World War II broke out, Philip joined army and went to France to fight against the Germans. जब दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ बेटे, तो फिलिप जो था वो उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और फ्रांस चला गया जर्मन फौजियों के खिलाफ लड़ने के लिए। ही हैज़ जस्ट कम बैक आफ्टर 4 years ऑफ आर्मी सर्विस, तो 4 साल जंग में सर्विस करने के बाद वो वापस लौटा है। ही वेंट टू बैट लेट एट नाइट एज ही हैड बिन टेलिंग द स्टोरीज ऑफ हिज वार एडवेंचर्स, रात को देर से सोया क्योंकि घर वालों को, चिचा चची को और बाकी नौकरों को, मुलाजमों को अपने दास्तान मुहिमें जो थी, मुहिमात जंग की दास्तानें, रात कहानियाँ सुनाता रहा। देयर फॉर यू गेट्स अप लेट एट 10 o'clock, इसलिए वो सुबह जब उठता है तो 10 बजे का टाइम है, रात को देर से सोया। ही आस्क्स द मेड सर्वेंट मैरी टू ब्रिंग हिज ब्रेकफास्ट, उठते ही जाहिर है भूख लगी हुई है, तो अपनी नौकरानी से कहता है जिसका नाम मैरी है कि जाओ भी ज़रा मेरे लिए नाश्ता तैयार करके लाओ। ही इज़ टोल्ड दैट द ब्रेकफास्ट टाइम इज 8 o'clock इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ हिज अंकल, तो वो उसे बताती है मैरी कि देखो भाई साहब बहादुर, फौजी साहब, ये 10 बजे का टाइम कोई टाइम नहीं है, इस घर में जो है वो आपके चचा के अहकामात के तहत नाश्ते का वक्त जो है वो एक मुकर्र है, उसके बाद नाश्ता नहीं मिलता है इस घर में, 8 बजे आपको उठ के नाश्ता करना है, उसके बाद आपको भूखा रहना पड़ेगा, नो ब्रेकफास्ट, द कुक विल नॉट प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट सो लेट, इसलिए जो है वो जो बावर्ची है, कुक जो है वो इतनी देर से नाश्ता तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। ही फील्स अनॉयड एंड कॉल्स मिसेस हिगन्स द कुक, अब इसे जो है ना वो गुस्सा होता है कि हैं वो मैं भूखा फौजी, हम तो एक मिनट नहीं निकालते, तो ये गुस्से होके ना फौरन नाराज़ होके वो जो कुक है, बावर्चन है,
मिसेज हिगन्स कहता है जाओ मैरी उसको बुला कर लाओ, ये नौकरानी से कहता है। तो मिसेज हिगन्स जो है वो उससे इसकी फिर गुफ्तगू जो है वो होती है नाश्ते के बारे में, यानी पहली कन्फ्रंटेशन इसके घर में जो है वो नाश्ते की मेज़ पर हो रही है। हिज आंट एमिली इज ए सेंसिबल लेडी, उसकी जो चीची है ना जिसका नाम एमिली है वो बड़ी समझदार बीबी है। शी ऑफर्स टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर हिम, वो कहती है कि भतीजे अगर तुम कहो तो मैं नाश्ता बना के ला दूँ तुम्हें, फिर क्या हुआ आखिर मैं तुम्हारी चाची हूँ। फिलिप आल्सो लाइक्स हिज आंट, वो भी अपनी चीची को पसंद करता है कि जी अच्छी माई है ये। द कुक अराइव्स, इसी दौरान जो है इनकी बातें अभी जा रही हैं ये चीची के साथ फिलिप की, कि वो जो बावर्चन है मिसेस हिगन्स वो आ जाती है एंड रिफ्यूजेस टू ओबे हिज ऑर्डर्स एरोगेंटली, और बड़े मुतकब्बराना अंदाज में जो है वो कहती है कि मैंने नहीं आपके हुक्म मानना नाश्ता बनाने का। फिलिप डिसाइड्स टू टीच हर ए लेसन, फिलिप चूंकि एक फौजी है ट्रेंड, कहता है अच्छा तेनू मैं सबक सिखा लेना हूँ। ही सडनली राइट्स आउट ए चेक फॉर मंथली सैलरी, वो फौरन एक चेक बुक निकालता है और उसके महीने की तनख्वाह का जो है ना वो एडवांस तनख्वाह देना होती है नौकर को अगर फौरन निकाले तो, उसे एडवांस चेक देता है कि लो भाई ये अपनी तनख्वाह इस महीने की एंड डिसमिसेस हर ऑफ सर्विस ऑन द स्पॉट, वो कहता है कि ठीक है आज से तुम नौकरी से फारग, अगर काम ही नहीं करना है तो फिर नौकर रखने का क्या फ़ायदा है, ये लो अपनी तनख्वाह महीने की और जाओ। नो मिसेज हिगन्स इज हॉरीफाइड, अब मिसेज हिगन्स डर जाती है कि लो नौकरी गई एंड रेडीली गोज टू द किचन टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर हिम, तो ये इसकी पहली विक्ट्री है। वहाँ जंग पर भी जाहिर है जीत के आया है फौजी, जो या घर में आते भी पहली उसकी जंग थी ब्रेकफास्ट की। देखें अब ये कैसे मज़ा है इसमें सिचुएशन का, कि वहाँ वो बड़ी बड़ी जंगें जीत के आया है, पिस्टल गन्ने तोपें बंदूकें वगैरह वगैरह, और ये अब यहाँ जो है वो उसे एक नाश्ते के लिए जंग लड़नी पड़ रही है और आखिर में चले जीत जाता है। तो वो मिसेज हिगन्स जो है ना वो नाश्ता तैयार करने चल पड़ती है। फिलिप क्लेवरली ब्लफ्स हर, बड़ी चलाकी से उसको ब्लफ करता है एंड विन्स इन हिज फर्स्ट कन्फ्रंटेशन द हाउस, और घर में जो उसका पहला टकराव होता है पहला झगड़ा होता है उसमें वो कामयाबी हासिल करता है। ही स्टैंड्स एज ए विनर इन द फर्स्ट कन्फ्रंटेशन इन द हाउस, तो ये मजाहिया अंदाज में है सारा, इसमें वो सिर्फ ब्लफ गेम ही करता है, वो चेक कोई हकीकी चेक नहीं होता। मीनवाइल मिस्टर जेम्स आल्सो कम्स देयर, इसी दौरान उसका चचा भी वही आदम करता है नाश्ते वाली मेज पर। ही इज नॉट अ बिग मैन, वो कोई बड़े कदों का मत का आदमी नहीं है, दरमियाना सा कद है उसका। ही वांट्स टू टॉक्स टू फिलिप इन हिज स्टडी रूम, वो चाहता है कि जरा अपने स्टडी रूम में लाइब्रेरी में फिलिप से ज़रा बातचीत करे कुछ कारोबारी मामलात वगैरह वगैरह। व्हेन फिलिप रीचेस द स्टडी रूम, जब वो वहाँ से अपनी चिची से इजाज़त लेके स्टडी रूम में पहुँचता है, मिस्टर जेम्स कॉल्स हिम फॉर गेटिंग लेट, सबसे पहले तो वो उसको बुरा भला कहता है कि तुम इतनी देर से क्यों उठे हो काका, ये क्या तरीका है, कोई एटिकेट सीखो, 8 बजे उठ के नाश्ता करना है वगैरह वगैरह। ही इज़ एजिटेटेड टू सी फिलिप स्मोकिंग इन हिज प्रेजेंस, अब ये नौजवान फौजी जो है वो जेब से सिगरेट निकालता है माचिस निकालता है और धड़ल्ले से सिगरेट पीता है चाचे के बिल्कुल सामने, तो वो फिर उसे वो एहतजाज करता है, वो एजिटेट होता है, गुस्सा आता है उसे कि हैं ये नौजवान कैसा मेरी बदतमीज़ी कर रहा है, मेरे सामने सिगरेट पी रहा है बड़ों के सामने। किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के यहाँ भी ये ध्यान रखा जाता था, वाह आपके मुल्क में तो मशरकी रवायात बहुत अच्छी, अभी तक भी कहीं ज़िंदा हैं के बड़ों के सामने सिगरेट नोशी अच्छी समझी नहीं जाती है, बुरी आदत। देन ही सेटल्स इन एन आर्म चेयर एंड ऑर्डर्स फिलिप टू जॉइन हिज बिजनेस ऑफ जैम मेकिंग, तब वो एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता है चिच्चा इसका और फिलिप को हुक्म देता है कि भाई उसका जो बिजनेस है ना ये सब्जियों का जैम मेकिंग का पोटैटोज का टमाटोज का इसमें उसके साथ शामिल हो जाए। फिलिप सॉफ्टली टेल्स हिम दैट ही डज नॉट लाइक द वेजिटेबल बिजनेस, बड़ी नरमी से उसे बताता है कि चाचा जी मैं फौजी बंदा हूँ तो मेरे को यह काम नहीं जो होता। ही इज़ नो मेच्योर, अब वो बालक हो गया है एंड कैन डिसाइड हिज फ्यूचर कोर्स,
हिमसेल्फ, और अपने मुस्तकबिल का वो खुद फैसला करेगा। अब आपके लकीर का फकीर नहीं बनेगा कि जिस तरह चाचे ने किया उसे करना है, नहीं, अब अपना मुस्तकबिल खुद बनाएगा कि आगे उसे क्या करना है। फौज से वो फारग होकर आ गया है। हिज अंकल गेट्स एंग्री, चिच्चे को गुस्सा आ जाता है, नाराज होता है, एंड रिब्यूक्स हिम हार्शली, और वो उसे सख्त बुरा भला कहता है। एट दिस पॉइंट, इस मौका पर जबकि उनके दरमियान ये अभी जो है वो गुफ्तोशनीद जारी ही है कि वो गुस्से में आया हुआ है, जेम्स स्टार्ट्स डोजिंग। जेम्स चूँकि आराम कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसे ऊँग आ जाती है, ऐसे ही थोड़ी सी, जैसे हम बातें करते करते ऊँगने लगते हैं। तो अब ये ऊँग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है ड्रामे का, और इस ऊँग के दरमियान में जो है वो एक छोटा सा जो है वो ड्रीम ख्वाब देखता है जिसमें सारे हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। He also threatens Philip to use the force of money if he does not obey him. अब ख्वाब के दौरान ही ना, ये ख्वाब की सारी बातें हैं। अब ये ख्वाब ही है, लेकिन इसको कहानी के अंदर इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है कि पता नहीं चलता कि असल कहानी और ख्वाब कहाँ खुशरू होता है, असल ख्वाब और कहाँ ख़त्म होता है। तो वो चूँकि डोजिंग पर ही आपको पता चल जाता है कि उसने ऊँगना शुरू किया, तो अगले वाले हालात जो है सारे ख्वाब के हैं। तो वो फिलिप को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो पैसे की ताकत इस्तेमाल करूँगा अगर तुमने मेरे अहकाम ना माने। पैसे के अहकाम की ताकत का मतलब है कि वो जो जायदाद है उसके बाप की, वो उसे नहीं दूंगा। सडनली फिलिप पॉइंट्स हिज पिस्टल एट हिज अंकल। फिर यूँ होता है कि फिलिप जो है अपनी जेब से रिवाल्वर निकालता है, पिस्टल निकालता है और चिच्चे पर तान लेता है। ही टेल्स हिज अंकल दैट ही हैज किल्ड 20 जर्मन्स इन द वार। फिर उसके सामने पिस्टल उसके सर की तरफ करके ना कहता है, चाचा जी मैं जंग से 20 बंदे मारे हैं जर्मनी ने दुश्मन अपने। दे यूज्ड फोर्स टू पुट डाउन फोर्स इन द आर्मी। ये फिक्र बेटा इसका मरकजी ख्याल है कि फौज का ये तरीका है कि ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाता है। दैट इज़ वाट ही इज़ गोइंग टू डू नाउ। और यही अब फिलिप भी करने जा रहा है। क्या मिस्टर जेम्स इज फ्राइटेंड एट द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉय। देखें मिस्टर जेम्स जो है वो डर जाता है लड़के के इस तरह से अखड़ जवाब से कि वो तो ये पैसे की ताकत इस्तेमाल करना चाहता था उसके खिलाफ, और उसने जो है वो दूसरी ताकत गन की ताकत इस्तेमाल की। ही अवेकन्स फ्रॉम हिज स्लंबर। यकदम उसका ख्वाब टूटता है और वो अपनी नींद से जाग उठता है। एंड एग्रीज विद फिलिप। और फौरन जो है ना वो जो पहले गुफ्तगु हो रही थी उससे फिलिप से कहता है, ठीक है बेटे तुम जैसे चाहो वही करो। However, the young man proves to be sensible enough in the end. ताहम नौजवान जो है ना वो बड़ा समझदार साबित होता है लड़का, बड़ा obedient आकर में, when he accepts the proposal of his uncle, कि वो अपने चचा की तजवीज़ जो है ना मान लेता है कि ठीक है चाचा जी फिर आप सब्जियाँ उगावेंगे, जैम मेकिंग करेंगे। He pretends as if the whole incident were a joke. और ऐसे वो बनावटी बहाना करता है कि जैसे ये सारा वाक्य जो था वो महज एक मजाक था। जेम्स थिंक्स दैट इट वॉज ड्रेडफुल ड्रीम। और जेम्स ये सोचता रह जाता है कि ये एक खौफनाक ख्वाब था। तो पढ़ने वाले को अब ये फैसला करना है कि क्या ये ख्वाब था या हकीकत थी। ताहम लड़का जो है वो आखिर में अपने समझदार होने का सबूत देता है, अपने चचा की बात मान लेता है। कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, The ending of this comical play seems right, almost quite right. ये जो इसका इख्तिताम है ड्रामे का वो बिल्कुल हमें दुरुस्त लगता है, because the hero, क्योंकि इसमें एक वार हीरो जो है, a real war hero, जो कि हकीकी फौजी है, defeats the villain, एक विलन को शिकस्त दे देता है, who is a pompous, bullying uncle, जो कि एक झूठी शानो शौकत वाला pompous, धोखाबाज फरेबी किस्म का चाचा है। We come to realize early in the play, that a conflict must take place. और जैसे हमें महसूस होता है ना प्ले को शुरू पर पढ़ते हुए कि लाजमन ना, जैसे ब्रेकफास्ट पर कोई हंगामा हुआ है, ऐसे ही कोई ना कोई और भी हंगामा होगा। We are in a state of hope and fear till climax. जब तक इंजाम नहीं आता ड्रामे का, हम उम्मीद और बेहम की कैफियत में रहते हैं। The play has an atmosphere of fun and mirth. इसमें एक माहौल है मज़े का, मजाक का और खुशी का, मिर्थ, हैप्पीनेस को कहते हैं। जेम्स हैज़ बीन ए कॉक ऑफ द हाउस। देर इज इम्पोर्टेंट सेंटेंस। घर में जैसे हुक्मरान होता है ना, कॉक ऑफ द हाउस, इडियोमेटिक है बेटे।
ਘਰ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਔਰ ਗਾਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਗਾਲਬ, ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਟੋਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮੇਂ ਨਜ਼ਮ ਓ ਜ਼ਬਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਫਿਲਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅਨਡਿਊ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਫਿਲਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਨਡਿਊ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਨਕੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਜ਼ ਇਨਡੀਡ ਏ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਓਲਡ ਆਈਡੀਅਲਸ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟਸ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਕਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਜਦੀਦ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸੋਚੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਕੇ ਸਾਥ ਚਿਮਟੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਡਟੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਨਈ ਨਸਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਨ ਰਵਾਇਤ ਕੋ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਵੋ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਕੋ ਛੋੜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਫਿਰ ਥਾਮੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਲਬਾ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾ ਆਜ ਕਾ ਸਵਾਲ, ਤਨਕੀਦੀ ਸਵਾਲ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਇਸਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਦੋਨੋਂ ਉਰਦੂ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇ ਕੇ ਵੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਰ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਰਦੂ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੋ ਤੀਸਰੀ ਨੰਬਰ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਸਵਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਸ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗੇਨ।